हाय एवरीवन, एक्सपेंशन फार्मूला के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 5.3 को हम सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन इट सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.3। तो हमें 2m-5 होल क्यूब इसका एक्सपेंशन करना है यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला a-b होल क्यूब, इसका यूज करके हमें इसका एक्सपेंशन करना है। तो पहली स्टेप क्या है, हमने जो प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच यूज किया था वही अप्रोच यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पर बस फॉर्मूला चेंज है, बाकी आपको बाकी सॉल्व करने के मेथड यहाँ पर सेम है। पहले क्या करना है, कंपेयर विथ, अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, बीच में क्या है माइनस है, और दूसरी टर्म में ये, और उसका ब्रैकेट क्यूब। तो हमें ये समझना है कि जब यहाँ पर माइनस होगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब वी गेट। व्हाट वी विल गेट, ए इज इक्वल टू 2m, ये क्या हुआ a, और b क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 5। अभी यहाँ पर फॉर्मूलाइज करना है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अभी ए और बी की वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हमें क्या मिलेगा, 2m-5 होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब की वैल्यू क्या है 2m ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2m ब्रैकेट स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 5 प्लस 3, ए की वैल्यू क्या है 2m और बी की वैल्यू क्या है 5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बी क्यूब की वैल्यू क्या है 5 होल क्यूब। अभी हमें इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 2m होल क्यूब। अभी 2m होल क्यूब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब क्या आता है 8, और m का क्यूब क्या आएगा m क्यूब माइनस, यहाँ पर देखिए 5 × 3 ये क्या आएगा 5 × 3 = 15, और ये 2² क्या आएगा 4, तो 15 × 4 = कितना आएगा 60, और ये m² क्या है m² वैसे के वैसा आएगा। अभी यहाँ पर प्लस साइन है तो ये प्लस, यहाँ पर देखिए 3 × 2 कितना आएगा 6, और ये 5² क्या है 25 × 6 = 150, और ये m वैसे के वैसा माइनस 5³ क्या है 125। तो ये हुआ इसका एक्सपेंशन, आशा करता हूँ आपको समझ में आया। अभी इसमें सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 को सॉल्व करने में यूज किया था वही अप्रोच यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर बस थोड़ी साइन में चेंजेस है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस साइन हुआ करता था जब यहाँ पर प्लस था, तो अभी यहाँ पर माइनस है, अभी यहाँ पर बीच में माइनस है, तो यहाँ पर क्या आया माइनस यहाँ पर और यहाँ पर, तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 2m-5 होल क्यूब इज इक्वल टू 8m³ माइनस 60m² प्लस
150 m माइनस 125। तो जब आप इसे इस तरह से लिखोगे लास्ट में, तो इसे इस तरह से बॉक्स बनाना है और इसे लिख दो ऐसे फाइनल आंसर कर। फाइनल आंसर आई होप यू हैव गॉट दिस। क्वेश्चन नंबर 2, 4 - p³। इसे हमें एक्सपांड करना है। तो इसे कैसे एक्सपांड करेंगे हम, यहाँ पर देखिए बीच में कौन सा साइन है, माइनस है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, a - b³। तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर। a - b³। अभी a - b³ से कंपेयर करने के बाद हमें और b की वैल्यू लिखेंगे। a = 4 और b = क्या है, p। यूजिंग फॉर्मूला अभी फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a - b³ = a³ - 3a² b + 3ab² - b³। ये फार्मूला यूज करेंगे हम इसे सॉल्व करने के लिए। अभी ये जो वैल्यूज है इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 - p³ - यहाँ पर a³ क्या है, a की वैल्यू क्या है, 4 = 4 - 3 * a² क्या है, 4। b की वैल्यू क्या है, p, 3 * a की वैल्यू क्या है, 4। b की वैल्यू क्या है, p² - p³। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसे सॉल्व करना है। आगे 4 * 4 = 16 - 64 - यहाँ पर देखिए 3 × 4² क्या है, 16 बन जाएगा, 16 * 3 = 48। 48 × p क्या आएगा, 48 p। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 3 × 4 × ये p का ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, p² तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 4 = 12। ये कैसा होगा, +12 और ये p² वैसे के वैसा, माइनस ये क्या है लास्ट में, p³। तो ये इसका फाइनल आंसर। आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये यही है इसका आंसर। तो लास्ट में हमें इस तरह से लिखना है, देयरफॉर 4 - p² = 64 - 48 p + 12 p² - p³। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो इसे ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बना और आगे लिखो ये फाइनल आंसर। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। Now we will expand 7x - 9y³ using the formula। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपेयर करना है सॉल्यूशन में, कंपेयर विथ a - b³। वी गेट क्या मिलेगा हमें,
ए इज इक्वल टू 7x, ये क्या है ए और ये क्या है बी, एंड बी इज इक्वल टू 9y। अभी a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो जब आपको इस तरह से ब्रैकेट दिया होगा और उसे एक्सपेंड करने आपको बोला होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो मिडल में वो कौन सी साइन है ये आपको चेक करनी है, प्लस है या माइनस है। अगर माइनस है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर आप a माइनस बी होल क्यूब ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी हमें a और b की वैल्यू मिल गई है कंपेरिजन के बाद, तो हम क्या करेंगे यूजिंग फार्मूला, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर बी प्लस 3 a बी स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। तो अब हम क्या करेंगे a और b की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब क्या आएगा 7x ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर है ना, तो a की वैल्यू इस तरह से ब्रैकेट में लिखो और इस ब्रैकेट को स्क्वायर कर दो, फिर ये जो b की वैल्यू है इस तरह से ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 3 इंटू ए, ए की वैल्यू क्या है 7x और ये b की वैल्यू क्या है 9y स्क्वायर माइनस b, ये क्या है b 9y, इसका क्यूब है तो इसका ब्रैकेट क्यूब। तो इस तरह से आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। जब भी आप वैल्यू पुट करोगे तो इस तरह से ब्रैकेट बनाओगे और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करोगे। अभी नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन ब्रैकेट्स को अभी सॉल्व करो और इस स्टेप को आगे और सिंप्लीफाई करो, तो क्या मिलेगा 7 का क्यूब क्या है 343 और ये x का क्यूब क्या है x क्यूब, ये माइनस वैसे के वैसा है। यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर कितना है 49 और ये x है तो x का स्क्वायर क्या है x स्क्वायर और ये 9y इंटू 9y। तो यहाँ पर देखिए 49 और ये 39 का कितना आएगा 27, तो ये 49 मल्टीप्लाइड बाय 27 तो कितना आएगा 97 का 63, 74 का 28, 92 का 18। तो इसे अभी सॉल्व करो 5, 42 का 8, 8 प्लस 5 13, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आया 1323 और ये x square y। आशा करता हूँ आपको इसका प्रोडक्ट कैसे लिया ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी नेक्स्ट स्टेप 7 3 21 21 और ये 9 का स्क्वायर क्या है 81, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 1 1 8 प्लस 2 10 8 टू 16 प्लस 1 17, तो ये क्या आया 17 0 1 और ये x इंटू वाई स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये इसका प्रोडक्ट कैसे लिया ये समझ में आया होगा, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। पहले नंबर्स को आप एक साइड में ले लो इस तरह से और ये जो वेरिएबल्स है उनको इस तरह से राइट साइड में रखो
और इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसे इस तरह से नंबर्स के बाद लिख दो। 9 का क्यूब क्या आएगा? 81। 729 वाई क्यूब। तो आपको इस तरह से ये सिंप्लीफाई करना है। अभी आगे हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हम नीचे इस तरह से लिखेंगे 7x माइनस 9y ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू 343 ब्रैकेट क्यूब 343x क्यूब माइनस 1323x स्क्वायर वाई प्लस 1701xy स्क्वायर माइनस 729 इंटू वाई क्यूब। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। इसे बॉक्स बना दीजिए इस तरह से, यहाँ पर लिखिए फाइनल आंसर। इस बॉक्स के सामने लिख दीजिए, यहाँ पर मैं जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दिस मार्क्स द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 5। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 का सॉल्यूशन अगले लेक्चर में कंटिन्यू होगा। तब तक के लिए आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो इस लेक्चर में सिखाए गए प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।